नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है और आज मैं बनाने वाला हूँ कैरी का पन्हा। तो इस पन्हा के लिए मैंने कैरी उबाल कर ली है, मतलब बेसिकली प्रेशर कुक की है। लगभग एक सीटी होने तक हम कैरी को पका सकते हैं और उसके बाद कैरी का पल्प निकाला जाता है। वो पल्प मैं यहाँ लेकर आया हूँ और अब हम तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और गैस ऑन करना है। ये कैरी का पल्प इसमें ऐड करना है, जितना पल्प उससे आधी शक्कर लेनी है और इसे मिक्स करना है। शक्कर पूरी तरह से इसमें घुल जानी चाहिए। अब ये उबल चुका है, अब हम इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालते हैं, सौंफ की पाउडर है और काला नमक है। ऑप्शन चाहिए तो आप सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर की जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, पुदीने की पत्ते भी डाल रहा हूं, ये भी ऑप्शनल है अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है, क्योंकि पन्हा एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और पुदीने की भी बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल होती है। तो आपने पुदीने का इस्तेमाल किया तो इससे बेहतरीन खुशबू मिल सकती है, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। अब हम इसमें नींबू निचोड़ने वाले हैं एक, जो ट्रेडिशनल पन्हा बनता है उसे थोड़ी हटकर रेसिपी है, थोड़ा फ्यूजन किया है और शायद आपको पसंद भी आएगा। अब इसे थोड़ी देर उबालना है और फिर हम गैस बंद करके रख सकते हैं। अब ये उबल चुका है, अब गैस बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं। ये कैरी के पन्हे का कॉन्सेंट्रेट लगभग 6 महीने तक टिक सकता है और आप इसे फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं और किसी भी पल आप इसमें पानी ऐड करके इसका ड्रिंक बना सकते हैं। तो तैयार है कैरी के पन्हे का कॉन्सेंट्रेट। हैप्पी कुकिंग।